हाय दोस्तों, आज फरवरी 2021 के 25 तारीख है। दोपहर की खिली धूप थी तो दोपहर में ही सैर पे निकल पड़ा हूँ। कोरोना का तो लगता है आराम गया, आराम सा ही हो रहा है, फिर भी उन्हीं रास्तों पे रहता हूँ जहाँ भीड़ नहीं होती। सोचा आज दोस्तों से कुछ किस्से शेयर किए जाएं। अब ये किस्सा तो कल का ही है। ललित सर और मैं सुबह 7 बजे दिल्ली को निकले। मेरा हर साल 2 साल में ऑफशोर हेल्थ चेकअप होता है, जिसके कि गुड़गांव दिल्ली नोएडा के आसपास करीब 8-9 सेंटर हैं। तो विचार आया कि क्यों ना दोस्तों कॉल किया जाए और जो भी मित्र फ्री हो मिलने के लिए उसी के नज़दीक के हेल्थ सेंटर चलेंगे और वहां दोस्त से मिलना भी हो जाएगा। अब ललित सर का कहना था कि किसी को भी कॉल 9 बजे के बाद ही करना चाहिए। अब मैंने कहा यार ऐसे मित्र भी क्या जिनको घड़ी देख के कॉल करना पड़े। पहला कॉल हमने किया रमेश को। अब रमेश को इसलिए क्योंकि हम सब में वो ही सबसे ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है। अब ऐसे दोस्त से मिलके या तो मोटिवेशन मिलता है या कुछ सीख ही मिल जाती है, बट रमेश ने कॉल नहीं लिया तो एक मैसेज डाल दिया कॉल बैक। अगला कॉल किया बेदी को, उसने भी कॉल नहीं उठाया और मैसेज डाल दिया कॉल बैक। अब ललित सर कह रहे यार आजकल वैसे ही कोई किसी से बात तो करता नहीं, और तुझसे तो और कौन बात करेगा। मैंने ललित सर के साथ एक सेल्फी ली और सेल्फी पोस्ट कर दी ग्रुप में और उन लोगों में जिनको हम सोच रहे थे कि आज शायद मिल पाए। अगला कॉल किया हमने देवेंद्र रौतेला को और उसने भी कॉल नहीं उठाया। इसके बाद मंजीत को कॉल नहीं किया, सिर्फ मैसेज डाल दिया कॉल बैक। तभी देवेंद्र रौतेला का कॉल वापस आया। अब देवेंद्र रौतेला ने कहा कि वो मिलने के लिए अपना समय निकाल लेगा और बहुत उत्सुक है। अब ललित सर भी बड़े प्रफुल्लित हुए क्योंकि 23 साल में वो अभी तक देवेंद्र रौतेला जो कि उसका हाउसमेट और रूममेट था मिले नहीं थे। तो बड़ा मज़ा आया। इंद्रपुरम में ही हमने अपना हेल्थ सेंटर चूज़ किया। रौतेला का घर वहीं है और नोएडा में उसका ऑफिस है। उसके ऑफिस में हम मिले, साथ लंच किया और ललित सर की सेहत तो आप जानते ही हैं, देवेंद्र से मिलके तो भाई साहब और कुब्बा हो गए। बोनस में मिलना हुआ भारत अरोड़ा से। भारत अरोड़ा की कहानी शुरू होती है 2009 में नोएडा में 8,000 की नौकरी से, और आज भारत 20 से ऊपर मजदूर और कारीगरों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे रहा है। तो ये था आज का किस्सा, और किस्से फिर कभी।